और जब से ये सरकार आई है तब से सिमर का उद्योग जो है पूर्ण रूप से बंद हो गया है। जैसे ही कांग्रेस सरकार आई है लगभग 10,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। जो इंस्टीट्यूशंस अलग अलग विभागों में खोले थे उनको बंद करने का सिलसिला लगातार जारी है। 1,00,000 से ज्यादा परिवार ऐसे बनते हैं जिनको रोजी रोटी का खतरा बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की सरकार बनी है और जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा है। कहीं पर भी किसी प्रकार का विकास का काम ना करते हुए पूरे प्रदेश में आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जो इंस्टीट्यूशंस अलग अलग विभागों में खोले थे उनको बंद करने का सिलसिला लगातार जारी है। केवल और केवल मैं इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करता, हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा उद्योग सीमेंट का उद्योग है और जब से ये सरकार आई है तब से सीमेंट का उद्योग जो है पूर्ण रूप से बंद हो गया है। उसके बंद होने से बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को ये बोला गया था कि 1 वर्ष में 1,00,000 नौकरियां देंगे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार आई है लगभग मैं ये कह सकता हूं कि उस इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले 10,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। वहां पे लगभग 7,000 से ज्यादा इन इंडस्ट्रीज के अंदर ट्रक थे और इतने ही ट्रक ऑपरेटर थे। सभी को अगर मिलाया जाए लगभग 1,00,000 से ज्यादा परिवार ऐसे बनते हैं जिनको रोजी रोटी का खतरा बना हुआ है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार केवल और केवल बदले की भावना से काम कर रही है जो कि ठीक नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी 2 SDM के दफ्तर डी नोटिफाई किए गए, मुझे इस बात का दुख है। और हमारी जनता जनार्दन जो है इस प्रकार के जो डिसीजन हो रहे हैं उनसे परेशान है। संसारपुर टेरेस में रहने वाला व्यक्ति जिसको कोटला बेड में SDM की वजह से बड़ा आसानी से काम चल सकता था, दोबारा से उसको 70 किलोमीटर दूर आकर उसको काम करवाना पड़ेगा। यही कहानी रक्कड़ की है। मुझे इस बात का दुख है कि कल परसों जो मैंने यहाँ पे मेरे पास विभाग था लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और मैंने मनरेगा के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके कागजात बनाने के लिए उन लोगों को कांगड़ा जाना पड़ता था, उन लोगों को धर्मशाला जाना पड़ता था। हमने उनकी सहूलियत के लिए कांगड़ा, प्रागपुर और कोटला बेड के अंदर दफ्तर खोले, उन दफ्तरों को भी डी नोटिफाई कर दिया गया है। कोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें HR@goyalmotors.com पर।